नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम बात करेंगे कि जो 2023 में जो सितंबर मंथ जो चल रहा है, सितंबर माह चल रहा है, जो पोषण माह है, तो इसमें हम 15 सितंबर को कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आंगनवाड़ी सेंटर्स में या फिर जो प्रोजेक्ट लेवल में, ब्लॉक लेवल में या फिर सेक्टर लेवल पे कौन कौन सी जो एक्टिविटीज़ हैं जो जिनको हमने कंडक्ट करना है। तो सबसे पहली बात है कि जो हम कल भी बात कर रहे थे, जो सब थीम है जो है अडॉप्टिंग सस्टेनेबल फूड सिस्टम बाई प्रमोटिंग मिलेट्स एंड पोषण वाटिकास, कि हमने किसके बारे में अवेयरनेस करनी है कि जो सस्टेनेबल फूड सिस्टम है इसके बारे में अवेयरनेस करनी है। तो इसमें जो क्या है कि किसको प्रमोट करना है, हमने मिलेट्स को प्रमोट करना है और जो पोषण वाटिकास हैं उनको प्रमोट करना है। आंगनवाड़ी सेंटर लेवल पे भी पोषण वाटिका को प्रमोट करना है कि हर एक आंगनवाड़ी सेंटर में पोषण वाटिका होनी चाहिए। और उसके बाद हमने क्या करना है कि कम्युनिटी में जाकर जे भी लोगों को बताना है कि हर एक घर में भी पोषण वाटिका का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें एक आंगनवाड़ी वर्कर कल मैसेज कर रही थी कि हमने ये कौन सा थीम लिया जाएगा, तो आपको बताते चले कि ये थीम फोर्थ है, ये वही है कि इम्प्रूविंग न्यूट्रिशन थ्रू मिशन लाइफ। तो जो मिशन लाइफ है आप जानते ही होंगे, लाइफ का मतलब लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। तो वही हमारा जो थीम है वो है इम्प्रूविंग न्यूट्रिशन। जैसे आप देखेंगे 1, 2, 3 और 4th थीम है इम्प्रूविंग न्यूट्रिशन थ्रू मिशन लाइफ। तो जब हम इनकी एक्टिविटीज़ के बारे में अभी डिस्कशन करेंगे, तो पहले हमने कल कुछ एक एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कशन किया था, तो आज हम जो नेक्स्ट एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट है इवेंट ऑन प्रमोटिंग ट्राइकलर ओब्लिक रेनबो ओब्लिक ट्रेडिशनल थाली मेड ऑफ मिलेट्स बेस्ड फूड आइटम्स। तो हमने क्या करना है कि किसको प्रमोट करना है कि मिलेट की जो थाली है, मिलेट्स जो हैं हमारे लोकल एरिया में अवेलेबल हैं, उनकी ही हमने रेसिपी बनानी है। वो रेसिपी कैसी होनी चाहिए, जैसे ट्राई कलर की रेसिपी है या रेनबो रेसिपी है। आप देखेंगे कि यहाँ पे ये ट्राई कलर रेसिपी है, हम इसको ऐसी जो थाली है वो बनानी है जिसमें ट्राई कलर हों, अलग अलग कलर्स हों। फिर हमने मिलेट की जो स्पेशल थाली है रेनबो, आप जानते हैं कि रेनबो में जो इंद्रधनुष है उसमें 7 कलर होते हैं, तो इस प्रकार ही हमने जो मिलेट्स की अलग अलग जो रेसिपी बन सकती है वो बना के पूरी थाली जो है वो प्रिपेयर करनी है। जैसे हम जहाँ पे भी देख रहे हैं जो थाली अलग अलग है, जी अलग अलग आइटम्स हैं इस थाली में दी गई हैं, तो आपने अपने ट्रेडिशन के अनुसार जो वहाँ पे अवेलेबिलिटी है मिलेट्स की, तो मिलेट्स के साथ साथ जो दूसरी फूड आइटम्स हैं ट्रेडिशनली, हम उनको कंबाइन करके जो थाली बना सकते हैं वो हमने बनानी है। तो इसमें वही है कि जो क्या है कि जो रेनबो है ट्रेडिशनल, जो ट्राई कलर रेनबो ओब्लिक ट्रेडिशनल थाली मेड अप ऑफ मिलेट बेस्ड फूड आइटम्स, तो आपके माइंड में ज़रूर आया होगा कि जी इस थाली का रेलिवेंस क्या है। ये है कि अगर हम ये देखा गया है कि ये चीज़ें जो हैं हम चीज़ों की ब्रांडिंग नहीं करते हैं। अगर हम वेस्ट की देखें, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके जो वहाँ प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं वो उनकी ब्रांडिंग करते हैं। इससे क्या होता है, जब वो ब्रांडिंग करते हैं तो उनकी वो यूनिवर्सल हो जाते हैं वो चीज़ें हैं, मतलब वो सभी लोग जानने लगते हैं और उनकी जो वैल्यू है, उनकी रेलिवेंस है वो पूरी दुनिया में फैल जाती है। तो हमारे में यही एक प्रॉब्लम रही है। तो यही जो भारत सरकार का यही पर्पस है कि जो वोकल फॉर लोकल है, कि हमने जो मिलेट बेस्ड फूड आइटम्स हैं इनकी जो थाली प्रिपेयर करके कौन कौन सी रेसिपीज़ हम प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि इनकी ब्रांडिंग हो सके और लोगों को महत्व का पता चल सके कि इनकी जो अगर जो मिलेट्स हैं, देखिए हाँ, अगर हम फास्ट फूड वगैरह लेते हैं तो उनकी जो है वो न्यूट्रिशनल वैल्यूज बड़ी कम होती हैं। उन फास्ट फूड में ट्रांस फैट्स होते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए, हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं। तो अगर हम जो मिलेट बेस्ड थाली प्रिपेयर करते हैं और इसकी ब्रांडिंग करते हैं, इसके बारे में बताते हैं, एक तो है कि लोगों का क्रेज बढ़ेगा, जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनका क्रेज बढ़ेगा, वो इसको यूज़ करेंगे और ये उनकी हेल्थ के लिए जो है वो फायदेमंद होगा। दूसरा, उनका जो ये कॉस्ट इफेक्टिव होगी, जो उनके पैसे भी कम खर्च होंगे और वो होममेड होगा,
दैट मीन्स जो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट भी है, और तीसरा ये जो मिलेट्स हैं वो इन्वायरमेंट का जो है वो जो है ज़ीरो लॉस है आर नो लॉस होता है, जहाँ पॉजिटिव इम्पैक्ट ही होता है जो मिलेट्स की फसलें होती हैं इनका वातावरण में पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, जहाँ नेगेटिव इम्पैक्ट इनका नहीं होता है। तो इसलिए हमने क्या करना है कि इन चीज़ों को प्रमोट करना है। तो मकसद यही है, जो आपने थाली कल आप आंगनवाड़ी सेंटर में प्रिपेयर करेंगे, वो थाली बनाएंगे, आपने उसकी पिक लेनी है और लोगों को टेस्ट वगैरह कराना है। देखो अगर हम ये आइटम बनाएंगे तो ये भी कितनी टेस्टी होती है। तो उसके बाद नेक्स्ट है जो है वो है डिमॉन्स्ट्रेशन ड्राइव ऑन अम्मा की रसोई ग्रैंड मदर्स किचन बेस्ड ऑन लोकली अवेलेबल मिलेट्स। तो जो लोकली अवेलेबल मिलेट्स हैं आपके एरिया में, आपने उससे ही जो उनको किचन में यूज़ करना है, और उसका डेमो वगैरह है उसका आप वीडियो बना सकते हैं, वो अपलोड कर सकते हैं, उसकी जो पिक्स हैं वो लेके आप जो डैशबोर्ड पे अपलोड कर सकते हैं, जो वीडियो है वो अपना आप पीपीटी वगैरह बना के जो अपने लेवल पे जो है वीडियो वो आप अपने जो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर्स हैं, जो चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर्स हैं उन्हें भेज सकते हैं। तो उसके बाद है ड्राइव ऑन लिंकिंग मिलेट बेस्ड फूड विद लोकल फेस्टिवल्स। हमने क्या करना है कि जो मिलेट बेस्ड फूड्स हैं इनको जो लोकल फेस्टिवल्स हैं इनके साथ कनेक्ट करना है, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, अगर हम आप देखेंगे कि अगर हम लोकल जो फेस्टिवल हर एक एरिया में जो लोकल फेस्टिवल्स होते हैं, ये एक कल्चरल एस्पेक्ट है, अगर हम इनको लोकल फेस्टिवल के साथ कनेक्ट करेंगे उससे क्या होगा कि जो हमारे जो लोग हैं, हमें हमारे जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं, क्योंकि जो कल्चर के साथ उनका जो इमोशनल कनेक्शन होता है तो उसके साथ वो ज़्यादा कनेक्टेड होंगे। इसलिए अगर हम लोकल फेस्टिवल्स के साथ मिलेट्स को जोड़ेंगे तो वो उन मिलेट्स का ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट है अवेयरनेस ड्राइव ऑन गुड हेल्थ थ्रू मिलेट्स इनटेक ऑफ फूड इन अर्बन स्लम्स। तो अर्बन स्लम्स, अर्बन में जो झुग्गी झोंपड़ियाँ हैं, ये किसके लिए है, ये जो स्पेशली हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं जो कि अर्बन एरियाज में हैं, जो कि शहरों में हैं, उन्होंने क्या करना है कि जो झुग्गी झोंपड़ियाँ हैं अर्बन स्लम्स जो होते हैं उनमें जाना है और वहाँ अवेयरनेस ड्राइव देनी है कि हमने उनको बताना है, जो अर्बन स्लम्स हैं, जो झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले लोग हैं, उन्हें बताना है कि जो मिलेट्स लेने के क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं और होते हैं। तो जी हमने कल भी चर्चा की थी कि जो मिलेट्स के कौन कौन से बेनिफिट होते हैं, तो आप अदरवाइज भी गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपके पास मटेरियल इनफ होगा। तो उसके बाद है सेंसिटाइजेशन ड्राइव ऑन एंड आउटरीच एक्टिविटी ऑन न्यूट्रिशन थ्रू मिलेट्स ऑन माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरियाज, जहाँ पे जो माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरियाज हैं, जहाँ पे माइनॉरिटी पॉपुलेशन है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करें तो माइनॉरिटी जो है जो दो किस्म की होती है, एक लैंग्वेज के बेस पे माइनॉरिटी होती है, एक रिलीजन के बेस पे माइनॉरिटी होती है। तो देखने में आया है कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो उनमें ज़्यादा अवेयरनेस देने की ज़रूरत है, उनमें ज़्यादा एजुकेशन देने की ज़रूरत है। तो जो इसलिए जहाँ पे है कि हमने क्या करना है कि जो अवेयरनेस जो है सेंसिटाइज करना है, वहाँ पे अवेयर करना है, वो जो अवेयरनेस ड्राइव एंड जो आउटरीच एक्टिविटी, मतलब कि वहाँ तक हमने पहुँचना है ऑन न्यूट्रिशन थ्रू मिलेट्स इन माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरियाज। हमने जो माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरियाज हैं, जो कि जे जहाँ पे माइनॉरिटी का जे भी मतलब है कि जो लोग जो जो बेनिफिट से वंचित रह गए हैं, जिनमें उतनी अवेयरनेस नहीं है, आपने आंगनवाड़ी वर्कर्स क्या करेंगी, वहाँ जाएंगी, वहाँ तक जाएंगी और वहाँ पे उन्हें बताना है कि जो मिलेट्स का जो क्या बेनिफिट है। उसके बाद है मिलेट बेस्ड अवेयरनेस थ्रू एसे क्वीज जो ड्राइंग कंपटीशन फोकसिंग ऑन द रोल ऑफ मिलेट इन एरेडिकेटिंग माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन आप जानते हैं कि कुपोषण है, तो हमारा जो इसलिए कुपोषण को दूर करने के लिए ही जो पोषण अभियान है वो चलाया गया है। तो हमने मिलेट बेस्ड अवेयरनेस देना है, उसमें हम अपने जो नियर बाई स्कूल्स हैं वहाँ भी जा सकते हैं, वहाँ पे ऐसे कंपटीशन करवा सकते हैं, वहाँ पे क्विज वगैरह करवा सकते हैं, वहाँ पे ड्राइंग कंपटीशन करा सकते हैं। तो उनका उसका उन जो कंपटीशन का जो है फोकस यही होगा कि जो रोल ऑफ मिलेट्स है, कि अगर हम मिलेट्स को यूज़ करते हैं तो हमारे देश में जो कुपोषण की समस्या है, जो मॉलन्यूट्रिशन की समस्या है, उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद स्कूल बेस्ड मिलेट फेयर, जो मेले वगैरह लगते हैं मिलेट्स के बारे में, वो भी हम लगा सकते हैं। उसके बाद है डाइट कंसल्टेशन कैंप एट वेरी
वेरिड हेल्थ सर्विसेज, जैसे PHC है जो पब्लिक जो है जिस कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, जहाँ PHC हो गया प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, या डिस्ट्रिक्ट जो हेल्थ सेंटर है जहाँ कोई सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहाँ पे हमने डाइट कंसल्टेशन जो कैंप्स हैं वगैरह वो रखने हैं, जिसमें जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या लैक्टेटिंग मदर्स हैं, मतलब जो गर्भवती महिलाएं हैं और दात्री महिलाएं हैं, उनको जो डॉक्टर्स हैं वो एक्सप्लेन करेंगे कि क्या जो मिलेट्स जो हेल्थ सर्विसेज हैं, मतलब उसमें बताएंगे कि आपने जो फूड इनटेक लेना है, कि आपने जो खाना खाना है, आपने जो डाइट लेनी है, उसमें जो मिलेट है उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो ये चीज़ें जो हैं जो हमारे जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, या उनके साथ साथ जो डॉक्टर्स के पास हमने प्रेग्नेंट लेडीज़ और लैक्टेटिंग मदर्स को ले जाना है, और वो जो डॉक्टर्स हैं वहाँ पर जो कंसल्टेंट्स हैं वो उन्हें जी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इनमें से आपने जो कोई 3 या 4 जो एक्टिविटीज़ हैं वो अपने आंगनवाड़ी सेंटर में करनी है, अपने एरियाज में करनी है। इसमें कल भी हम बात कर रहे थे कि आप होम विजिट भी कर सकते हैं, आप वो पिक भी ले सकते हैं, और जितनी भी जो पिक्स हैं वो आपने क्या करना है कि जो डैशबोर्ड है वहाँ पे ज़रूर चढ़ानी है। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।